फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? अगर इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में कुछ निश्चित है तो वो है प्राइस चेंज। यहाँ प्राइस हर समय बदलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, फिर चाहे वो इकोनॉमी की वजह से हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हो, वॉर या फिर इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से हो, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन तो कन्फर्म है। और इसी प्राइस फ्लक्चुएशन में अक्सर इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की और डेंजरस हो जाता है, स्पेशली जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो जाए। यही रीज़न है कि काफ़ी समय से इंट्राडे ट्रेडर्स बड़ी दुविधा में हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की है और यूक्रेन रशिया वॉर के बाद कमोडिटीज़ भी इन्फ्लेटेड हैं। तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए? वेल, प्राइस फ्लक्चुएशन से सेफ रहने के लिए डेरिवेटिव्स एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ना सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशंस के सामने एक हेडज का काम करता है, बल्कि इसको स्टॉक और करेंसी और कमोडिटी के एक्सचेंज पर भी ट्रेड किया जा सकता है। डेरिवेटिव्स दो टाइप के होते हैं, फ्यूचर और ऑप्शंस। आइए चलिए देखते हैं क्या है फ्यूचर और ऑप्शंस, कैसे होती है इसमें ट्रेडिंग और आप कैसे कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। मान लीजिए आपको वीट में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, लेकिन आपको वीट के बैग्स अपने वेयर हाउस में नहीं रखने, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस के फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट उठाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं बिना अपने गोडाउन में वीट को रखे। मोस्टली जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जिन्हें प्रोडक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें इंटरेस्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस फ्लक्चुएशंस में। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छा भी है, क्योंकि ये मार्केट में एक लिक्विडिटी बनाए रखता है। फ्यूचर्स और ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ये डे ट्रेड या CNC से अलग है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फ्यूचर्स के बारे में। Let's say you have bought a future for contract of buy 100 shares of a company ABC at rupees 50 each at a specific date. अब जब इस contract का expiry time आएगा, every last Thursday of the month, आपको सभी shares 50 में ही मिलेंगे, चाहे उसका price कुछ भी हो. Even if the price goes up by 60, you will be getting each share by rupees 50. Which means you make a neat profit of rupees 1000. If the share price falls to rupees 40, however, you will still have to buy them at rupees 50, in which case you will make a loss of rupees 1000. Stocks are not the only asset in which futures are available. You can get future contracts for agriculture, commodities, petrol, gold, currencies, etc. अब जानते हैं options के बारे में। ऑप्शंस के दो टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉल और पुट क्या है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। अ कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ पर्टिकुलर एसेट एट अ स्पेसिफिक डेट एंड ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम। लेट अस से यू हैव परचेज्ड अ कॉल ऑप्शन टू बाय 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ABC at a price of rupees 50 each on a certain date, but the share price falls to rupees 50 below the end of the expiry of the period, and you have no interest in going through with the contract because you will have to make loss. You then have a right to not buy the shares at rupees 50. Hence, instead of losing 1000 on the deal, you can only lose the premium paid the entire contract. Another type of option is the put option. In this, the type of contract, you can sell the asset at an agreed price in the future, but not the obligation. For instance, if you have to put option to sell shares of company ABC at rupees 50 at a future date, and share price rises to rupees 60 before the expiry date, you have the option of not selling the shares for rupees 50. So you would avoid making a loss of rupees 1000. Ye hai futures or option in short and simple words. Lekin isse pehle ki aap future or options mein trading karne lage, kuch important points hai jo aapko hamesha dhyan rakhna hai.
फ्यूचर और ऑप्शंस काफ़ी अच्छा हेडिंग टूल है और आप मार्जिन पे करके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रेडर्स को फ्यूचर मूवमेंट प्रिडिक्ट करना होता है। ध्यान रहे, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू साइज काफ़ी ज़्यादा है और अगर मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से आपका एसेट डायरेक्शन आपके फेवर में नहीं है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने रिस्क के हिसाब से ही फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। एक्सपायरी वाले दिन, दैट इज़ लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, आपको कंपल्सरी स्क्वायर ऑफ करना ही होगा कम्प्लीटली। यहाँ पार्शियल स्क्वायर ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। उम्मीद है आपको फ्यूचर और ऑप्शंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।